हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम ऑनलाइन क्लास। बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं? सोचते होंगे मैम आज ये कपड़े लेकर कैसे आई हैं, ये कैसे कपड़े रखे हुए हैं, इनसे हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चों आज हम कपड़ों के डिजाइन देखेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हम इन कपड़ों से क्या सीखने वाले हैं? आज हम कपड़ों का डिज़ाइन देखेंगे और यह भी देखेंगे कि कपड़ों का डिज़ाइन ऐसे ही बना दिया जाता है या कुछ सोच समझकर बनाया जाता है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डिज़ाइन। ये देखो, इसमें इस बॉर्डर का डिज़ाइन देखो, इसमें क्या बना हुआ है, ये ओवल शेप के डिज़ाइन बने हुए हैं गोल्डन कलर के, है ना। और इनमें पैटर्न देखो, क्या इनमें कोई पैटर्न नज़र आ रहा है आपको? देखो ये जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन इन दो ओवल्स के बीच में ओवल दिया हुआ है ना, दो ओवल के बीच में एक ओवल है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। फिर उसके बाद इस लाइन में नीचे वाली जो लाइन है, इन दोनों ओवल्स के नीचे बीच में एक ओवल दिया हुआ है। देखो हर दो ओवल्स के नीचे बीच में एक ओवल है, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे ही नहीं बना दिए जाते डिज़ाइन, सोच समझकर पैटर्न बनाया जाता है। कहीं भी आप देखोगे, देखो यहाँ भी आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। चलो अब दूसरा देखते हैं, ये देखो इसमें, देखो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पर, ये देखो इसमें ये वाला डिज़ाइन बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसमें ये वाला डिज़ाइन और बीच में क्या है, एक डंडा है, स्टैंडिंग लाइन है। देखो ये डिज़ाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर डिज़ाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर डिज़ाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर डिज़ाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन। चलो अब दूसरा देखते हैं। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें ये फ्लावर बार बार रिपीट हो रहा है ना, और ये डिज़ाइन देखो, इन दो फ्लावर्स के बीच में ये डिज़ाइन आ रहा है, दो फ्लावर्स के बीच में ये डिज़ाइन आ रहा है ना, नीचे भी ऐसा ही है। तो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये पट्टियाँ नज़र आ रही होंगी आपको, है ना, इनके बीच का डिफरेंस सेम है, बीच में खाली जगह है, फिर पट्टी, फिर खाली जगह, फिर पट्टी। ऐसा तो नहीं है कि तीन पट्टियाँ इकट्ठी कर दियो या दो पट्टियाँ इकट्ठी कर दियो, फिर दो बार खाली जगह कर दियो, फिर कहीं कैसा, नहीं ना, खाली जगह है फिर पट्टी है, फिर खाली जगह फिर पट्टी है, इसी पैटर्न को आगे बढ़ाया गया है। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और डिज़ाइन। अब इस कपड़े में देखो, यहाँ पर आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देंगे। इस डिज़ाइन में देखो, यहाँ पर ये शेप बार बार रिपीट हो रही है ना, बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पर ये डिज़ाइन बार बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ देखो, अब हम ये वाला देखते हैं। देखो ये स्टार है, उसके बाद ये दो ट्रायंगल की शेप के बनाए हुए हैं, दो ट्रायंगल से हैं ये, कुछ थोड़ा सा राउंड में है इसलिए हम इसको ट्रायंगल भी नहीं बोल सकते, कुछ अलग ही डिज़ाइन है, पर अभी हम इसको ट्रायंगल ही बोलेंगे। स्टार, फिर टू ट्रायंगल्स, फिर स्टार, फिर टू ट्रायंगल्स, फिर स्टार, फिर टू ट्रायंगल्स, है ना। अब अगर हम यहाँ देखें, देखो ये एक स्टार या फ्लावर बोल रहे हैं हम इसको, फ्लावर की शेप में है, स्टार बोल सकते हैं, स्टार, और एक ये सर्कल, फिर स्टार, फिर सर्कल, फिर स्टार, फिर सर्कल, फिर स्टार, फिर सर्कल, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको एक अलग पैटर्न नज़र आएगा। इसमें देखो स्टार है, फिर ये फोर ट्राइंगल्स हैं, और इनकी जगह भी देखो, जगह चेंज नहीं है ना, ये चारों ट्राइंगल्स अगर हम यहाँ पर इनको मिला दें तो ये एक किसका रेक्टेंगल का आकार ले लेगा। तो ये क्या है, स्टार, फिर फोर ट्राइंगल्स, स्टार, फोर ट्राइंगल्स, स्टार, फोर ट्राइंगल्स, स्टार, फोर ट्राइंगल्स, है ना। आपकी बुक में भी हम डिज़ाइंस के बारे में बातें करेंगे। आपकी चौथी कक्षा की गणित की पाठ्यपुस्तक हंसते खेलते के फर्स्ट चैप्टर डिज़ाइन ही डिज़ाइन में हम आज डिज़ाइन ही देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर इस चित्र में
इस चित्र में ये दोनों लड़कियां भी डिजाइन ही देख रही हैं शायद, है ना। चलो इनकी बातें पढ़ते हैं, क्या बातें कर रही हैं ये। ये है राखी। राखी अपनी दीदी से कह रही है कि दीदी देखो माँ की साड़ी पर फूलों से कितना सुंदर डिजाइन बना हुआ है, देखो। अब राखी की दीदी कह रही है हाँ राखी यह दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, इस पर फूल और पत्तियों से एक पैटर्न बना हुआ है। देखो फूल पत्तियों से पैटर्न बना हुआ, और यहाँ पर देखो यहाँ भी पैटर्न बने हुए हैं, और इस पर भी देखो पैटर्न बने हुए हैं ना। यहाँ देखो कोई चीज़ बार बार जो रिपीट हो, मैंने आपको बताया उसी को हम पैटर्न कहते हैं। ये देखो यहाँ पर ये शेप बार बार रिपीट हो रही है, और बीच में ये क्या है, ये रोम्बस की शेप बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पर भी एक रोम्बस की शेप होगी, और यहाँ पर भी देखो आपको नज़र आ रही होगी थोड़ी सी। अब बच्चों देखो नीचे देखो यहाँ भी फ्लावर्स का पैटर्न बना हुआ है। अब देखो ये जो है कौन, राखी की दीदी। राखी की दीदी कह रही है कि क्या कह रही है, वो कह रही है कि हमारी ग्रिल पर देखो, ग्रिल पर भी एक पैटर्न बना हुआ है। फिर राखी कहती है हाँ दीदी हमारे गेट पर भी पैटर्न बना हुआ है। तो बच्चों आपने कभी ध्यान दिया है आपकी छत की ग्रिल पर पैटर्न बना होगा, आपके गेट पर भी जो मुख्य गेट है उस पर भी पैटर्न बना होगा। राखी भी बता रही है कि उनके मुख्य गेट पर भी पैटर्न बना हुआ है। आप भी नोट करना कि आपके घर के मुख्य गेट पर, मेन गेट पर कैसा पैटर्न बना है, और उसको आपको अपनी कॉपी पर बनाना है, ठीक है। वो डिज़ाइन आपको बनाना है आपके घर की ग्रिल पर भी, जो छत पे जो ग्रिल लगी होती है उस पर भी देखना क्या डिज़ाइन बना है। आपकी खिड़कियों में, घर की खिड़कियों में भी डिज़ाइन बना होगा, दरवाज़ों में भी हो सकता है कुछ डिज़ाइन कुछ पैटर्न बना हो, अगर डिज़ाइनदार दरवाजे हैं तो, ठीक है बच्चों। तो आपके घर में जितनी भी चीज़ें, कहीं भी जो पैटर्न है, या फिर घर में कहीं टाइल्स बनी है, बाथरूम में टाइल्स होती है ना, टाइल्स लगी हुई हैं, वो टाइल्स देखनी है आपको, उनका डिज़ाइन भी आपको कॉपी पर बनाना है, ठीक है। और इस बारे में अपने अभिभावकों से चर्चा भी करनी है, और यहाँ लिखना भी आपको, ठीक है। उनको भी बताना कि मैंने आज डिज़ाइन ही डिज़ाइन चैप्टर में पैटर्न के बारे में पढ़ा है, और उनको पैटर्न बनाकर भी दिखाने हैं आपको, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं दोनों क्या बातें कर रही हैं। अब देखो राखी की दीदी कहती है कि वाह राखी तुम तो बड़ी समझदार हो, ऐसे पैटर्न तुमने और कहाँ कहाँ देखे हैं। तो वही बता रही है राखी, उसने कहाँ कहाँ देखे हैं। राखी बता रही है कि दीदी, राखी बता रही है कि दीदी मम्मी ने जो धागे से मेजपोश बनाया था उस पर, अपने घर की खिड़की पर, दरवाज़ों पर, और चादरों और रजाई पर भी देखी है। और फिर कहती है राखी की दीदी कि राखी याद करो जब हम नानी के घर ट्रेन से गए थे, तब हमने ट्रेन के डिब्बों पर भी तो पैटर्न देखे थे ना। कहती हाँ दीदी, एक दरवाज़ा, चार खिड़कियाँ, फिर एक दरवाज़ा। देखो मैं दिखाती हूँ आपको उन्होंने क्या देखा था। देखो नीचे ये ट्रेन है, और ट्रेन में देखो दरवाज़ा, फिर चार खिड़कियाँ, फिर दरवाज़ा, है ना। और फिर यहाँ फिर दरवाज़ा, फिर चार खिड़कियाँ, फिर एक दरवाज़ा, फिर दरवाज़ा, फिर चार खिड़कियाँ, फिर दरवाज़ा। तो बच्चों ये पैटर्न देखा था उन्होंने। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको जो मैंने अभी आपको काम दिया ना कॉपी पे करना है, पैटर्न बनाने हैं आपके घर के आसपास या आपके घर में जितनी वस्तुएं हैं उनके पैटर्न बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपको पैटर्न बनाने हैं, पैटर्न ढूंढने हैं, और उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं जहाँ आपने पैटर्न देखे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब राखी ने ना अपनी कलर पेंसिल से और कॉपियों को रख के एक पैटर्न बनाया है। उसने देखो क्या पैटर्न बनाया, उसने बनाया है कि एक कलर पेंसिल, फिर एक बुक, फिर कलर पेंसिल, फिर बुक, फिर कलर पेंसिल, फिर बुक, फिर। अब यहाँ पर उसने क्या किया, पैटर्न चेंज कर दिया थोड़ा सा। क्या चेंज किया उसने, यहाँ पर दो दो कलर पेंसिल्स रख दी बीच बीच में, उसने ये पैटर्न चेंज किया। अब उसने क्या किया, बुक हटा दी और यहाँ पेंसिल्स रख ली। देखो बच्चों जैसे मैंने एक पैटर्न बनाया है, क्या पैटर्न बनाया मैंने, देखो यहाँ पर मैंने इन कलर पेंस को तिरछा लगाया और यहाँ इनको स्ट्रेट लगाया है, बीच की दूरी और रखने की जो पोजीशन है वो मैंने सिमिलर रखी है
है ना। तो आप भी अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीज़ों से पैटर्न बना सकते हो। चलिए अब बुक की तरफ चलते हैं वापस। अब देखो बच्चों, राखी ने तो ये पैटर्न बनाए थे, अब यहाँ भी कुछ पैटर्न दिए हुए हैं और इन पैटर्न को आगे बढ़ाना है। जैसे देखो क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल, सर्कल, फिर क्या है, स्क्वायर। ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर। अब मुझे यह बताओ कि यहाँ आगे क्या आएगा। देखो क्या चीज यहाँ रिपीट हो रही है, कौन सी शेप रिपीट हो रही है। देखो ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर। ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये तीनों शेप्स फिर से रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब आगे तीनों शेप्स फिर से रिपीट होंगी। यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे ट्रायंगल, फिर यहाँ सर्कल और फिर यहाँ स्क्वायर। ट्रायंगल और यहाँ क्या बनाएंगे, सर्कल और यहाँ बनाएंगे स्क्वायर। उसके बाद क्या, यही रिपीट होंगे, फिर से ट्रायंगल, फिर से सर्कल, फिर से स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आगे पैटर्न बढ़ता जाएगा। अब इसमें देखो पहचानो क्या पैटर्न है, स्क्वायर, सर्कल, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, सर्कल। इट मीन्स एक स्क्वायर है, दो सर्कल है, एक स्क्वायर है, दो सर्कल है। और यहाँ भी अब क्या करना है आपको, फिर क्या बनाना है, दो सर्कल, उसके बाद क्या आना है, एक स्क्वायर आना है। यहाँ पर स्क्वायर बनाएंगे और फिर दो सर्कल बनाएंगे, फिर क्या आएगा, फिर स्क्वायर आ जाएगा और फिर दो सर्कल आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, फिर दो सर्कल आ जाएंगे, फिर स्क्वायर आ जाएगा, फिर दो सर्कल। इसी तरीके से पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। देखो बच्चों, दो मैंने आपको करके दिखा दिए, अब यहाँ से जो है नीचे वो आपको खुद करने हैं। सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल। अब आप सोचना आगे क्या आएगा और खुद करना। देखो ट्रायंगल, 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 फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, 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 फिर सर्कल। देखो तीन ट्रायंगल, एक सर्कल, तीन ट्रायंगल, एक सर्कल, और आगे क्या आएगा, खुद करना। रेक्टेंगल, सर्कल मतलब आयत, और सर्कल मतलब वृत्त। आयत, वृत्त, आयत, वृत्त, आयत, एक आयत, एक वृत्त, फिर आयत, फिर वृत्त, फिर आयत। उसके बाद आपको इसी तरीके से पैटर्न आगे बढ़ाना है। देखो ये दो सर्कल, फिर ये क्या है, स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आ गया, देखो ट्रायंगल आ गया है, त्रिभुज आ गया है, फिर मतलब वर्ग। अब यहाँ देखो फिर से दो वृत्त आ गए हैं, फिर क्या आ गया है, ये स्क्वायर, वर्ग और फिर ट्रायंगल, त्रिभुज। इट मीन्स ये देखो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पैटर्न एक है और फिर यहाँ ये रिपीट हो रहा है ना, ये डिज़ाइन रिपीट हो रहा है, फिर से ये डिज़ाइन रिपीट हो जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं ये। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर भी कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, पर इनको मैं नहीं कराऊंगी, इनको आप खुद करेंगे, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इनको कंप्लीट कर लेना और आप फिर नेक्स्ट क्लास में चेक कर लेना कि क्या आपने सही किया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होम असाइनमेंट है जो आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।